सलाम वालेकुम दोस्तों, किचन क्वीन बाय शाइस्ता बागवान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आई हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बना रही हूँ पंचरंगी पुलाव, वो भी मेरी स्टाइल में। पंचरंगी पुलाव ये मेरी नाना की फेवरेट डिश है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने 1.5 किलो मटन ली हूँ, 1 चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार समंदरी नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे, इसे अच्छी तरह मिला के लेना है। अब हम इसे मैरिनेट के लिए 1 घंटा रखेंगे। 1 hour later। ये देखिए, मैंने कुकर में मटन डाली हूँ। अब हम इसके 3 सीटी लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा भी पानी नहीं डालेंगे, मटन का पानी छुड़ता है। ये देखिए, हम ये मटन को एक साइड में निकाल के लेंगे और पानी को चावल में ऐड करेंगे। इसमें मैं 4 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। ये देखिए, हमारा ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 किलो प्याज डालेंगे। प्याज को इसी तरह पका के लेना है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, हम 1 किलो टमाटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें मटन ऐड करेंगे। ये देखिए, मटन प्याज में अच्छी तरह मिल चुका है। इसमें हम 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसे अच्छी तरह भून के लेना है। इसमें हम 3 हरी मिर्च डालेंगे। इसमें हम 1/2 किलो दही डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिला के लेना है। इसे अच्छी तरह भून के लेना है। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। इसमें हम 3 चम्मच एवरेस्ट का मटन मसाला ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। अब हम इसमें पुदीना और हरा धनिया ऐड करेंगे। ये देखिए, इसका कलर कितना बेहतरीन आया है, इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। आप इसे जितना अच्छा भूनोगे उतना इसका फ्लेवर अच्छा आता है। ये देखिए, मैंने 1.5 किलो कोलम चावल ली हूँ। अब हम इसे 45 मिनट के लिए भिगोने के लिए रखेंगे। जितने चावल लेते हो उतना ही मटन लेना है। इसमें हम 4 चम्मच ऑयल डालेंगे। इसमें हम तेज पत्ता, लवंग, दालचीनी और शाह जीरा ऐड करेंगे। आपको जो खड़े मसाले पसंद हो आप वो डाल सकते हो। इसमें हम 1/2 किलो प्याज डालेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च 4 डेट के साथ डालेंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ये देखिए, हमारी प्याज अच्छी तरह पक चुकी है।
इसमें हम 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे हमें अच्छी तरह भून के लेना है। अब हम इसमें 2 चम्मच होममेड गरम मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब हम मटन का पानी जो निकाल के लिए थे अब हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने 1 भगोना चावल ली थी इसलिए मैं 1.5 भगोना पानी डालूंगी। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। कोलम चावल को पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है। ये देखिए हमारे चावल अच्छी तरह भीग चुके हैं। इसका पानी हमें अच्छी तरह निकाल के लेना है। ये देखिए घोल आ चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें मटन ऐड करेंगे। अब हम इसमें 3 नींबू के रस ऐड करेंगे। 1/2 किलो को 1 नींबू डालना है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। इसमें हम 5 फूड कलर ऐड करेंगे। इसमें हम 5 फूड कलर केसरी, पीला, हरा, गुलाबी और लाल ऐड करेंगे। पहले पीला डालेंगे। इसमें मैं 5 फूड कलर ऐड की हूँ। अब हम इसे ढक के 5 मिनट तक रखेंगे। ये देखिए हमारा पंचरंगी पुलाव रेडी हो गया है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। चलो अल्लाह हाफिज़।